किसी ने आपके पास कोई अमानत रखी कि जैसे मिसाल के तौर पर ये मेरे 10,000 रुपए है, थोड़ा संभालना, हाँ अमानत है मेरी, किसी ने आपके पास अमानत रखी, चाहे वो किसी शख्स का हो, चाहे वो किसी ट्रस्ट का हो, चाहे वो किसी इंडिविजुअल का हो, चाहे वो कंपनी का हो, चाहे वो बॉस का हो, किसी ने अमानत रखी 10,000। अब वो अमानत जो एक शख्स के पास आई, उसे कुछ जरूरत आ गई, अब जरूरत आ पड़ी तो क्या वो पैसे लेकर अपनी जरूरत के लिए खर्च कर सकता है सामने वाले की इजाजत के बगैर, जब उसे पता है कि उसे जब भी जरूरत होगी ना तो मैं दे दूंगा कहीं ना कहीं से एडजस्ट करके, उसे जब भी जरूरत होगी 10,000 चाहिए ना, 10,000 उसने रखा था मैं दे दूंगा, लेकिन अभी मुझे जरूरत है तो मैं थोड़ा यूज कर सकता हूं या नहीं कर सकता हूं, इस आयत की रोशनी में बताइए। हाँ, आयत की रोशनी में क्या है, सही बात आपको पता है, जैसे कि क्लियर है कि नहीं कर सकते। अगर करना है तो उसे कहो कि 10,000 आप रख रहे हैं ना, अमानत के तौर पर मत रखो, कर्ज के तौर पर रखो, आप मुझे कर्ज दे दो। जुबैर बिन अवाम रदिल्लाहु के बारे में यही मिलता है कि जुबैर बिन अवाम बहुत अमानतदार थे और लोग उनके पास अपनी अमानतें संभालने के लिए रखते थे कि हमारे ऐसे पैसे संभालो, हमारी ये चीज़ संभालो, तो वो कहते थे मैं कोई अमानत नहीं लेने वाला, अगर मुझे देना है ना तो कर्ज करके दो, कर्ज बना करके दो, कर्ज का डॉक्यूमेंट बना के लो। तो जुबैर बिन अवाम के पास बहुत सारे लोगों के पैसे डिपॉजिट होते थे और वो कर्ज करके लेते थे और उसे बिजनेस में इन्वेस्ट करते थे कि जब भी चाहिए मैं कर्ज वापस लौटा दूंगा, कर्ज बना करके लिया हूं, कर्ज वापस लौटा दूंगा। यहां तक आके जब उनका इंतकाल हुआ तो बहुत सारे क्रेडिटर्स थे, अब्दुल्ला बिन जुबैर जब लिस्ट देखते कि इतने सारे लोग क्रेडिटर्स हैं, पता नहीं क्या होने वाला है, लेकिन वो बताते हैं कि जब उन्होंने बेच दिया सारी जो उनकी प्रॉपर्टीज वगैरह बेच करके जब सारे क्रेडिटर्स को पे किया तो जुबैर बिन अवाम रदिल्लाहु की जो 4 बीवियां थी तो एक एक बीवी को बहुत सारा हिस्सा मिला। ये बीवी का हिस्सा कितना होता है आपको मालूम है विरासत में? बीवी का हिस्सा अगर बच्चे हैं हाँ तो 1/8 होता है, 1/8, और 4 बीवियां हैं तो 1/8 1/8 में 4 हिस्से होंगे, उस 1/8 के अंदर 4 होंगे। वो 4 बीवियों को जो मिला तो बहुत बड़ी बड़ी प्रॉपर्टी मिली। क्यों? वो क्या करते थे कि लोगों से जो पैसे लेते थे तो उसे कर्ज के तौर पर लेकर खुद इन्वेस्ट करते थे और इन्वेस्ट करके जो प्रॉफिट कमाते और सामने वाला जब कर्ज मांगता तो वापस दे देते। तो अमानत के तौर पर रखी गई है तो उसके अंदर रद्द बदल करने में इजाजत लेनी पड़ेगी। क्यों इजाजत लेनी पड़ेगी? क्योंकि अमानत है, और जब इजाजत हम ले लेंगे तो तब कर्ज बन जाएगी, वो कर्ज के अंदर रद्द बदल कर सकते हैं। जब एक बार किसी ने आपको कर्ज दे दिया, अब आप क्या करते हो, आपका लुकआउट है। अमानत किसी ने रखी है, वो अमानत चाहे 10 रुपए किसी के पड़े हैं, उसके अंदर रद्द बदल करना है, उसको यूज करना है, तो उसके अंदर उसकी इजाजत लेनी होगी। तो ये हमें कायदा दिख रहे हैं इस चीज के तहत।